हांसी की हनुमान कॉलोनी स्थित सेंट ज्योति राव फुले पब्लिक स्कूल द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। इस फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर राजेंद्र सिंह सैनी एडवोकेट ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर नितेश शर्मा, अजय सैनी पूर्व पार्षद, डॉक्टर बलवान सिंह पूर्व पार्षद ने शिरकत की। इस दौरान स्कूल के संचालक अनिल कुमार ने बताया कि उनका ये कोरोना काल के बाद पहला फंक्शन है, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। उन्हें कहा कि ऐसे कार्यक्रम से बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। जो आज का कार्यक्रम है एनुअल डे सेंट ज्योतिराव फुले पब्लिक स्कूल जो हनुमान कॉलोनी के अंदर है, तो इनका वार्षिक समारोह मनाया गया है और जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं राजेंद्र सिंह सैनी जी, एडवोकेट इन हिसार, और गेस्ट ऑफ ऑनर में हैं नितेश शर्मा जी और अजय सैनी जी और डॉक्टर बलवान जी। और जो ये कार्यक्रम है बच्चों के लिए किया गया है कि 2 साल से कार्यक्रम नहीं हो रहे थे कोविड की वजह से, और एक दिन के लिए ये प्रोग्राम है। अनुराग जी, ये स्कूल चलते हुए बहुत पुराने हो गए हैं, 1975 में ये स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो सेंट ज्योतिराव फुले पब्लिक स्कूल का है और तो इसका एनुअल डे फर्स्ट ही है। फर्स्ट है सर? हाँ, फर्स्ट एनुअल डे। तो सर क्या मोटिव है? मैं यही कहूँगा कि जो बच्चों ने कोरोना काल में अपने आप को स्ट्रेस किया गया है, उसमें क्या है कि एक दिन का एनुअल डे रखा जाता है तो बच्चों अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो किस तरह के कार्यक्रम? सभी हरियाणवी कल्चर के हैं और बच्चों ने अपने अलग अलग से तैयार किए गए हैं, हर प्रकार के हैं। थैंक यू सर।